मैं सभी पार्टी के लीडर्स को और सभी फ्लोर लीडर्स को बहुत ही आग्रह करना चाहता हूं कि जो पहली बार सदन में आए हैं, जो नए सांसद हैं, जो युवा सांसद हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर उन सबको दें, चर्चाओं में उनका भागीदारी बढ़े। पिछले दिनों करीब करीब सभी दलों के किसी न किसी सांसद से मेरी अनौपचारिक मुलाकातें जब भी हुई हैं, एक बात जरूर सब सांसद कहते हैं कि सदन में हो हल्ला और फिर सदन स्थगित हो जाता है, उससे हम सांसदों का नुकसान बहुत होता है। युवा सांसदों का कहना है कि सत्र न चलने के कारण, चर्चा न होने के कारण हम जो यहां सीखना चाहते हैं, हम जो समझना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है, हम उससे अछूत रह जाते हैं, हमें वो सौभाग्य नहीं मिल रहा है। और इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है। ये सभी दल के युवा सांसदों का खास तौर पर स्वर निकलता है। मैं समझता हूं कि और विपक्ष के जो सांसद है उनका भी ये कहना है कि डिबेट में हमें बोलने का अवसर नहीं मिलता है, उसके कारण सदन स्थगित हो जाता है, उसके कारण हो हल्ला होता है, उसके कारण हमें बहुत नुकसान होता है। मैं समझता हूं कि सभी फ्लोर लीडर, सभी पार्टी लीडर्स हमारे इन सांसदों की वेदना को समझेंगे, उनके विकास के लिए, देश के विकास में उनके सामर्थ्य को जोड़ने के लिए, उनका जो उत्साह है, उमंग है, उनका जो तजुर्बा है, उन सबका लाभ देश को मिले, निर्णयों में मिले, निर्णय प्रक्रियाओं में मिले, ये लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। मैं बहुत ही आग्रह के साथ सभी दलों से, सभी सांसदों से इस सत्र को और अधिक प्रोडक्टिव बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास हो। इस सत्र में एक और भी सौभाग्य है कि आज पहली बार हमारे उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ करेंगे। उनका ये पहला सत्र होगा और पहला दिन होगा। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत की महान विरासत, हमारी आदिवासी परंपराओं के साथ देश को गौरव बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उसी प्रकार से एक किसान पुत्र उपराष्ट्रपति पद और आज राज्यसभा के सभापति के रूप में देश के गौरव को बढ़ाएंगे, सांसदों को प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, उनको भी मेरी तरफ से मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।